इनफील्ड क्लासिक 350 का मीटर, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 हो, थंडरबर्ड हो, 500 सीसी की बुलेट हो, कंप्लीट यहाँ पे आपको जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के स्पेयर पार्ट्स और उनका क्या प्राइस होता है, ये टोटल चीज आज आप लोग को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल से रिलेटेड। तो आज आप इस वीडियो को देखो, जो लोग रॉयल इनफील्ड के शौकीन हैं, जिनके पास रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल होगी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, मैंने राज ऑटो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस के साथ फ़ोन नंबर दे रखा है, यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड, बजाज, KTM के बारे में एकदम आपको यहाँ पर भरपूर जानकारी मिलने वाली है स्पेयर पार्ट से संबंधित, और यहाँ पर आप कॉल करके ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लासिक 350 के मीटर से। ये देखिए, ये है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का मीटर, ये रहा इसमें मीटर केबल, ये देख लीजिए, ओरिजिनल है, जेन्युइन है। इसका क्या दाम है सलमान? इसका आपको पड़ेगा 1400 रुपया। और ये है क्लच प्लेट, चाहे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 हो, थंडरबर्ड हो, उसमें लग जाएगा ये। और इसका कीमत मैं आपको दिखाने से पहले, सबसे पहले इसका निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये रहा क्लच प्लेट रॉयल इनफील्ड का, और इसका कीमत यहाँ पे मेंशन कर रखा है कंपनी ने, 780 रुपया। तो इस बॉक्स में है क्लासिक 350 का फ्रंट डिस्क कैलिपर, फ्रंट डिस्क कैलिपर रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, ये भी बाइब्रे कंपनी ही बनाती है इसका ना। ये देख लो, ये ABS है, नॉन ABS वेरियंट का है ना। कीमत आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2309 रुपये। और इस बॉक्स में है इलेक्ट्रा 350 न्यू मॉडल का, आपको लॉक किट में आपको दिखा रहा हूँ, स्टैंडर्ड 350 का ना। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा सलमान? ये टंकी कैप है, टंकी कैप, ये इग्निशन लॉक है, इग्निशन लॉक, ये हैंडल लॉक है, हैंडल लॉक, ये दोनों पैनल लॉक है, ये दोनों पैनल लॉक, इलेक्ट्रा में दो पैनल लॉक लगता है। अच्छा, और ये रहा इसका दो चाबी, इसमें रहेगा दो चाबी इसमें। कीमत क्या है इसका? इसका कीमत है 915 रुपये एम आर। और रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का ये हैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, कंप्लीट हैंडल है, और प्राइस है 420 रुपये। और ये जो है, ये आपको रॉयल इनफील्ड 350X का मैं आपको हैंडल दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर में, मेट ब्लैक, ये देख लो। और कीमत यहाँ पे मेंशन कर रखा है कंपनी ने, 630 रुपये। अब क्या दिखा रहे हो सलमान भाई? क्लच स्विच है, क्लच स्विच सब गाड़ी में सेम लगता है, सब गाड़ी में सेम लगता है ना। ये क्लच स्विच आप लोग देख लो, मात्र 86 रुपये का, एवेंजर में भी लग जाएगा ये, और एवेंजर में भी लग जाएगा, चाहे 150 हो, 160 या 220 हो, सब मॉडल में लग जाएगा। क्या बात है, रॉयल इनफील्ड का सामान बजाज में भी लग जाएगा। और ये देखो आप लोग, इसमें है क्लासिक 500 सीसी का क्लच सेंटर है ना, अनबॉक्स करो सलमान, ये देख लिए आप लोग, ये देखिए, ये क्लासिक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 500 का ये सेंटर है, क्लच सेंटर है। और कीमत मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लो, बताओ क्या, दिखाई देता हूँ, 284 रुपया। देख लीजिए, ये है क्लच हब, क्लासिक और थंडरबर्ड में दोनों सेम लगता है क्लच हब, और एकदम पैकिंग एकदम ओरिजिनल है। ये क्लच हब है, ये 350 और थंडरबर्ड दोनों में सेम ही लगता है, और MRP आपके सामने है 711 रुपया। ये गाड़ी का प्राइमरी चेन है क्लासिक 350 का, क्लासिक 350 का ये प्राइमरी चेन है ना। और बिना गाड़ी चलने से रहा, बात तो सही बोल रहे हो। कीमत यहाँ पे 655 रुपया। 80 का थंडरबर्ड का बोलेसर सेट, ये कौन सेट जिसे कहते हैं ना, कौन सेट, हैंडल बोल्डेसर ना। हाँ, हैंडल बोल्डेसर है क्लासिक 350 और थंडरबर्ड 350 का, दोनों में सेम, दोनों में सेम लगता है ना। कीमत देख लीजिए, 491। ये आपको क्लच केबल, क्लच केबल है क्लासिक 350 का, ये क्लच केबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 97 रुपीज का आपको मात्र आएगा। ये थंडरबर्ड, ये थंडरबर्ड का आपको क्लच केबल मैं दिखा रहा हूँ, 109 रुपए का MRP रेट है पन्नी पे। ये थंडरबर्ड का एक्सीलेटर केबल, ये थंडरबर्ड का एक्सीलेटर केबल है ओरिजिनल जेन्युइन पन्नी में, और कीमत यहाँ पे कंपनी ने मेंशन कर रखा है 255 रुपए ऐसा कीमत आएगा। क्लासिक 350 का ये क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल है ना, 210 रुपए इसका MRP है। अरे आमिर, ये चीज तो तुम बोल रहे हो क्या भाई? सेल्फ रिले, सेल्फ रिले क्लासिक 350 का सेल्फ रिले है, सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज है ये, जो कि है 755 रुपया का सेल्फ रिले। आप देख सकते हो कंप्लीट ये असेंबली आपको मैं दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, ये देख लीजिए, इस डिब्बे में है क्लासिक 350 का लॉक किट, ये कंप्लीट असेंबली है, ये खुलेगा नहीं, ये पन्नी में सील पैक है, तो आपको मैं खोल के नहीं दिखा सकता,
ये देख ली आपको दो इसमें की आपको इग्निशन स्विच वगैरह आपको कंप्लीट ऐसा मिल जाएगा, दो की मिल जाने वाला है, हैंडल लॉक मिल जाएगा, इसमें टंकी कैप मिल जाएगा। और प्राइस सलमान क्या है इसका? 855 रुपया। और ये फ्रंट डिस्क बॉकेट है, डिस्क बॉकेट हाँ। कौन सी गाड़ी का? मास्टर सिलेंडर वाला, मास्टर सिलेंडर का। क्लासिक और थंडरबर्ड दोनों में सेम लगता है, क्लासिक और थंडरबर्ड दोनों में सेम लगता है। कीमत है 156 रुपया। दूसरा आइटम दिखाओ सलमान। और ये पीछे का रियर कैलिपर किट है, ट्विन ये ट्विन डिस्क का ना, क्लासिक ट्विन डिस्क, क्लासिक 350 ट्विन डिस्क का ये पीछे का कैलिपर किट, कैलिपर किट है। 303 रुपया MRP है। और ये फ्रंट मेजर किट है, ये फ्रंट मेजर किट है क्लासिक 350 का ना, ये 399 रुपया इसका MRP है। और इस रैक में क्या भरे हो सलमान भाई? एयर फिल्टर है बाबा, ये देखिए, ये 350 का एयर फिल्टर है, क्लासिक 350 का ये एयर फिल्टर है, 161 रुपया का। और थंडरबर्ड 350 दोनों सेम ही लगता है ना। और ये क्लासिक BS6 थंडरबर्ड BS6 का एयर फिल्टर है, 158 रुपीज का। ये रहा मोबिल फिल्टर बुलेट का, और ये रहा इसका ओरिंग। कीमत क्या सलमान? 74 रुपए। मोबिल के बिना गाड़ी अधूरी। तो ये रहा रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल, आपको यहाँ पे मैं मोबिल दिखा रहा हूँ। और इसका ग्रेड आप पढ़ लो, 15W50। और ये सेमी सिंथेटिक है, और 2.5 लीटर इसका मैं आपको कैपेसिटी दिखा रहा हूँ। और इसका जो प्राइस है 1050 रुपीज़। क्लच लीवर ना, हाँ 107 रुपये। इलेक्ट्रा का मॉडल का, क्लासिक इलेक्ट्रा का ना, हाँ ये 107 रुपये इसका MRP है। और सलमान ये क्या है भाई? ये फुटप्रेस असेंबल है आगे का, क्लासिक 350 का है ना, हाँ, फुटप्रेस असेंबली मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लासिक 350 का फ्रंट वाला। कीमत है 370। और ये लेफ्ट, ये आपको लेग है, लेफ्ट है लेफ्ट हैंड साइड का ना, फुटप्रेस अलग से आता रबर। ये लेफ्ट हैंड साइड का आपको फुटप्रेस असेंबली मैं आपको दिखा रहा हूँ, 182 रुपये का है। इसमें आपको फुटप्रेस अलग से आता है, ये देखिए इसका फुटप्रेस अलग से आएगा, 280 रुपये इसका MRP रहता है। और टोटल पार्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना भैया, वो कंप्लीट आपको ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन पार्ट्स में दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। दिखा दो ना, ये बारकोड है इसको स्कैन कर सकते हो, ये देख लीजिए, ये रहा इसका बारकोड, आप चाहो तो स्कैन भी कर सकते हो। लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हो, ये रेट है वो रेट है फलाना ढिमकाना, तो भैया बारकोड यहाँ पे है, स्कैन करो और रेट जान लो, या नहीं तो सर्विस सेंटर चले जाओ, वहाँ जाके पता कर सकते हो। और क्या आइटम दिखा रहे हम लोग? ये जेन्युइन मैग्नेट पैकिंग, ये जेन्युइन आपको क्लासिक 350 का आप लोग को हम मैग्नेट पैकिंग दिखा रहे हैं। ये देख लो बहुत सारा हम लोग के पास है, एक की बात क्या करोगे भैया, प्राइस दिखा दो। प्राइस इसकी 58 रुपये, ये मात्र 58 रुपीज का ये आपको पैकिंग पड़ेगा, थंडरबर्ड का और क्लासिक का गियर लीवर। कीमत यहाँ पे कंपनी ने मेंशन कर रखा है 190 रुपये इसका कीमत आएगा। MRP रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप डिस्काउंट के लिए सलमान भाई से फोन पे बात कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है मैंने। अब मैं आपको डिस्पैड दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए डिस्पैड ही डिस्पैड है, सब ओरिजिनल आपको यहाँ मिल जाएगा। ये किस गाड़ी का है? ये पीछे का डिस्पैड है, ये बैक डिस्पैड है, दोनों सेम क्लासिक थंडरबर्ड दोनों सेम है ना। और कीमत देख लीजिए 230 रुपया, ये बैक डिस्पैड है, ये पीछे में लगने वाला। और ये फ्रंट है, ये फ्रंट वाला है 230 रुपया। ये क्लासिक 350 और थंडरबर्ड 350 दोनों में सेम ही लगता है। दोस्तों एक चीज वीडियो में मैंने नहीं दिखाई है, वो सलमान भाई आप लोग से बोल देंगे। सलमान बोल क्या है वो? आपको हो गया थंडरबर्ड का हेडलाइट, हाँ थंडरबर्ड का मीटर, हाँ क्लासिक की टंकी और हाँ, क्लासिक का मडगार्ड, हाँ, ये आपको ऑन MRP आएगा। और जब आप पैसे एडवांस कीजिएगा हाँ, तभी वो आइटम आपको दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर इस बंदे का दे रखा है मैंने, इसको पहचान लो, दिखा दे भाई इसको दिखा दे, पहचान लो भैया, इसको कॉल करो, ऑर्डर अपना प्लेस करवा सकते हो।